अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बॉम्ब फटने से पहले मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। कर रहा है अंदर तो बॉम्ब है, अगर हमरे लल्ला की जिंदगी पर बनाई तो क्या हो गया? लल्ला अंदर चला गया है, वहां बम लगा है जो थोड़ी देर में फट जाने वाला है। का करे, कैसे निकाले लल्ला को वहां से? हम अपने लल्ला को कुछ नहीं होने दे सकते, हमें उसे बचाना होगा। अब जो होता है हो जाए, भले ही पता चल जाए लल्ला को हमारा सच। नहीं आता ये सब, नहीं छोड़िए ना। तो बड़ी शेरनी बनके यहाँ पर आ गई बॉम्ब लगाने के लिए। बहुत बड़ा बवाल हो गया है। बवाल? अरे कौन सा बवाल हो गया अम्मा? अब है यहाँ आ गया है और वो अंदर चला गया है, वहाँ गया है जिस जगह पर बॉम्ब लगा है। भाई यहाँ कैसे आ गया? वो तो छुट्टी पर है ना? अरे वो डायन है ना, उसने किसी न किसी जुगाड़ से बुला लिया होगा उसे यहाँ पर। अब हम का करें, हमारी जान एकदम हलकान हुई जा रही है रुंजन। शेखर सर, यहाँ पर इतने ही लोग भी नहीं है कि एक एक को पकड़ के उनका आईडी चेक नहीं किया जा सकता है। देखिए आप सभी से दरख्वास्त है कि प्लीज आप यहाँ स्टेज पर इकट्ठा हो जाइए। हमें खबर मिली है कि घर के अंदर कोई अनजान आदमी घुस गया है, प्लीज सबकी सेफ्टी के लिए आप सब स्टेज पर आ जाइए। प्लीज आप सभी आ जाइए। जाओ जाकर कोना कोना छान मारो शेखर,
देखो उस बैग में कोई क्या लेकर आया, जाओ। सर हम बहुत समय से चेक कर रहे हैं, वो जो बैग आया था वो बेहोश लेडी के पास मिला था, लेकिन मैडम का कहना है कि वो लड़की सच में डांसर है। सर कोई छुप के घर में जरूर घुसा है और बैग भी खाली है, समझ में नहीं आ रहा सर कि क्या करें। हम पुलिस वाले हैं शेखर, किसी भी समस्या में समझ में नहीं आ रहा ऐसा नहीं बोल सकते हैं। सॉरी सर। हम पुलिस वाले समझने की कोशिश करते हैं और फिर उपाय निकालते हैं। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस घर के अंदर कोई घुसा है, इससे बड़ी लापरवाही वाली बात नहीं हो सकती है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग हैं शेखर, अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जाओ जाकर फिर से ढूंढो। सर हम अपने लल्ला की खुशी पाने के लिए आए थे और देख उसकी जान पर ही बात आ गई, हमारी जान हलकान हुई जा रही है, हम क्या करें? अरे अब क्या कर रही हो फोन से? हम एक काम करते हैं, हमें ना पुलिस को फोन लगा कर कह देते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में ना बम लगाया है। अरे पगला गई हो का? हाँ अरे 2 मिनट में पुलिस हम लोग का नंबर ट्रेस करके तुमको थाने में बैठा देगी और तुमसे 100 सवाल करेगी, तुम पे ही शक करेगी अम्मा। पुलिस वाले की अम्मा हो के ऐसी बातें करती हो तुम? हम क्या करें रुंझन, हम लल्ला को कैसे बचाएं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। संभालो अम्मा, देखो हम कुछ कर लेंगे। हाँ कुछ करते हैं। अभय जी हमें आपसे कुछ पूछना है। यहाँ आपके घर पर खतरा मंडरा रहा है, मैं आपका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर खतरे से बचाऊं। इसीलिए छुट्टी पर होने के बावजूद मैं यहाँ अपनी ड्यूटी निभाने आया हूँ, लेकिन इस बात का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ अपनी पत्नी के लिए आया हूँ। आप भले ही मुझे अपना पति मानती होंगी, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी कोई नहीं है। क्योंकि मैं अपनी शादी तोड़ चुका हूं। उल्टे फेरे लेने से ब्याह नहीं टूटता भेजी, हमने जिस अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ साथ फेरे लिए, उसने ही हमें आपके साथ जन्म जन्म के लिए जोड़ दिया। आप हमारे पति थे, आप हमारे पति हैं और रहेंगे। हम जानते हैं कि हम पर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप हमें बचाने जरूर आएंगे। प्लीज मेरे पर ये सब बकवास के कोई टाइम नहीं है, आप जानती है ना यहाँ कोई घुसा है। जी हाँ, और हमें पता है कि अब आप आ गए हैं तो हमें कोई भी खतरा छू नहीं सकता। तो भी इसी ख्याल के साथ आप एक जगह बैठ जाइए और तो मुझे अपना काम करने दीजिए। हमें वो बैग खाली मिला है, क्या पता उस बैग में किसी ने बॉम्ब रखा हो। अगर ऐसा है तो हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपकी मदद करेंगे उस शख्स को या वो बॉम्ब को ढूंढने में। मेरा साथ देने का हक अब खो चुकी है मैडम, अब मैं यहाँ सिर्फ अपना फर्ज निभाने आया हूँ, और वो काम सिर्फ मेरा है आपका नहीं।
भी एक तरीका है हमारे पास। कौन सा तरीका अम्मा? अंजन उतर देख। तुम लोगों ने किसी को देखा बैग लाते हुए? आजकल तो सुना है ड्यूटी पे शराब पी करके आते हैं। मैडम जी, आपके पति ने शराब के नशे में गुंडों को पीटा है। रुकिए अभय जी, एक सवाल का आपको सही सही जवाब देना होगा। क्या आपने शराब पी है? मुझे काम है। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। क्या आपने शराब पी है? मैं छुट्टी पर था मैडम, इमरजेंसी में ही आना पड़ा। अगर ड्यूटी पे होता तो कभी नहीं पीता। हेलो हेलो, वो का है? आपको ना बहुत जरूरी सूचना देनी थी। वो मुख्यमंत्री आवास में ना किसी ने बम लगा दिया है, अगले कुछ मिनट में फट जाएगा। बम है? हाँ। कौन बोल रहा है? हेलो, आओ चलो। अरे अरे अम्मा देखो, बाहर से पुलिस वाले गए हैं। अरे हमको छुपना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी चलो। हे देवी माँ, हमरे लल्ला को कुछ ना होना चाहिए, उसे बचा लेना। हम ना 16 शुक्रवार का व्रत रखेंगे, बस हमरे लल्ला को कुछ ना होना चाहिए। रुकिए अभय जी, आपको बताना होगा क्यों पी आपने शराब। जाने दीजिए मुझे। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए बहुत काम है, छोड़िए। आपको जवाब देना, छोड़िए। अभी अभी किसी का कॉल आया है कि आवास में बम है। और थोड़ी देर में बम फट जाएगा। देखिए आप सभी लोग मुख्यमंत्री आवास से बाहर जाइए प्लीज, यहाँ पर बम छुपाया गया है। अरे देखिए देखिए, पैनिक मत कीजिए प्लीज, वरना खतरा और बढ़ जाएगा। एक एक करके बाहर जाइए। सीएम मैडम को अभी के अभी बाहर लेकर जाओ, अभी। सर आइए मैम। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे अभय जी। देखिए आपको बाहर जाना होगा, चलिए। वो टोकरी में जो कुर्सी के नीचे।
सब लोग बाहर आ गए, हमारा लल्ला क्यों ना आया? आपको हमारी कसम है, हम बॉम को हाथ नहीं लगाएंगे। आपकी कसम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मैडम, प्लीज। बॉम्ब फटने में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। इतने कम समय में कोई भी बॉम्ब स्क्वाड यहाँ नहीं आने वाला है, ये मुझे ही खुद डिफ्यूज करना होगा। आप सीएम है मैडम, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, प्लीज आप अभी आप जाइए यहाँ से। शेखर आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैम प्लीज आप पीछे जाइए प्लीज। हम नहीं जाएंगे बेटी आपको छोड़कर। आप जाइए मैडम प्लीज। नहीं, हम मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे अभय जी। हम मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे अभय जी। हम मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे अभय जी। अभय अब तक क्यों ना आया? एक काम करते हैं, हम अंदर जाकर देखते हैं। अरे अम्मा क्या कर रही हो? हम तुमको जाने नहीं देंगे। आ जाएगा अभय, अभय आ जाएगा। रुको अम्मा, आ जाएगा। सब आप क्या कर रहे हैं भैजी और क्यों? क्यों आप अपनी जिंदगी ऐसे खराब? मेरी जिंदगी है, मैं शराब पीऊं या जहर, उसे आपको कोई मतलब नहीं। ओह सॉरी, ये घर आपका है शायद, इसलिए आप मुझे मना करिए यहां पीने से। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। गाइस अभय सर ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया।
आखिरकार अभय जी ने सीएम मैडम जी को बचा ही लिया। ड्यूटी, ड्यूटी सबसे बड़ी चीज है सर के लिए। अब चीफ ऑफ सिक्योरिटी बोलो या फिर पति, सीएम मैडम को तो अभय सर ने ही बचाया ना। अभय जी रुकिए, अभय जी, अभय जी हमारी बात सुनिए, अभय जी रुकिए। हमरा लल्ला बच गया। हाँ माँ, अभय ठीक है। मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ मैडम, आपको जो भी बात करनी है मेरे असिस्टेंट से बात करिए। सीएम नहीं, एक पत्नी अपने पति से बात करना चाहती है। फिर तो पता नहीं आप किससे बात करेंगी, क्योंकि मैं आपका पति नहीं, क्योंकि मैं आपका पति नहीं। वो रिश्ता तो टूट चुका है, तो टूट चुका है, तो टूट चुका है।